नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। देखिए, भाजपा के बी ग्रुप होने का आरोप जो है मायावती पर लगातार अखिलेश यादव लगाते आए हैं। जहां भी मायावती चुनाव लड़ती हैं तो उन पर आरोप लगते हैं कि वो भाजपा के लिए खड़ी हुई है और अखिलेश यादव का वोट काटना चाहती है। इसी को लेकर के गोला गोकरनाथ सीट पर अब उपचुनाव है। गोला गोकरनाथ सीट पर मायावती ने अपना कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव को यहां पर तगड़ी हार का सामना करना पड़ा। अब मायावती अखिलेश यादव पर इसी मुद्दे को लेकर के हमलावर हो गई। मायावती ने अखिलेश यादव पर हमला किया है। मायावती ने कहा कि सपा जो है अब क्या बहाना बनाएगी हार का, वो सपा उत्तर प्रदेश से अब धीरे धीरे साफ होते चली जा रही है। हालांकि मायावती को इस बात का सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है कि बसपा कब का साफ हो चुकी है। सपा साफ होने के लाइन में हो सकती है, लेकिन साफ अभी हुई नहीं है। और उन्होंने सपा पर और अखिलेश यादव पर कई तरीके के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सपा का नेतृत्व सही नहीं है, अखिलेश यादव का नेतृत्व सही नहीं है, मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अब सपा का वजूद बचना मुश्किल है। इस तरीके के जो है बात बोल करके अखिलेश यादव पर मायावती ने जमकर निशाना साधा। ये साफ तौर पर लग रहा था कि पुराने समय जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मायावती पर आरोप इल्जाम लगाए थे कि मायावती जो है यहाँ पर वो भाजपा का बी ग्रुप बन के काम कर रही है, तो अब यहाँ पर देखिए कि उन्हीं इल्जामों का बदला अब यहाँ पर कहीं ना कहीं मायावती अपने बयानों से लेते नजर आ रही है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही था। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिक्स।